गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम प्रांशु रस्तोगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन अकाउंट्स, कंपनीज अकाउंट्स। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल। कह रहा है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड बाय लॉ ने क्रिएट किया है। आर्टिफिशियल पर्सन है तो लॉ ने क्रिएट किया है, जिसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, और उसकी हर एक कंपनी के पास कॉमन सील होती है जो हर कभी भी लगाती है, जो मोहर जिसको कहते हैं कॉमन सील। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ अ लॉ। कह रहा है जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसको हम इनविजिबल होती है, हम देख नहीं सकते हैं, इनटेंजिबल होती है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, एग्जिस्टिंग करती है ओनली इन द आईज ऑफ लॉज में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आई ऑफ लॉ में ही वो एग्जिट करती है, बाकी कहीं नहीं वो एग्जिट करती है। फिर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। कह रहा है कंपनी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट है अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956 में, या फिर कोई भी कंपनीज लॉ में, तो उसको क्या कहेंगे, कंपनीज कहेंगे। अब कंपनीज में भी बहुत सारे, अगर देखा जाए तो कंपनीज रजिस्टर होती है अंडर द कंपनीज एक्ट। अब उसमें बहुत सारी होती कंपनीज, कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अ शेयर टेकन बाई देम। कह रहा है कि जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की ऑफ दिस कंपनीज में इज लिमिटेड, उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती है शेयर होल्डर्स की इस टाइप की कंपनी में लिमिटेड होती है, टू द अमाउंट ऑफ अ शेयर टेकन बाई देम, जितना अमाउंट ऑफ शेयर उन्होंने लिया उतना ही होती है। सच कंपनी आर पॉपुलर दीज डेज। कह रहा है कि ये कंपनी है पॉपुलर है इस समय में। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, इज़ ऑल्सो टर्म एज गारंटी कंपनी। इसको दूसरा नाम अगर इसका देखा जाए तो गारंटी कंपनी भी कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स इट इज़ अ कंपनी विदाउट एनी शेयर होल्डर, बट इट्स ओन बाय अ मेंबर कॉल्ड गारंटर्स हु एग्री टू पे अ नॉमिनल अमाउंट इन द इवेंट ऑफ अ कंपनी बींग वोन्ड अप। कह रहा है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसको हम गारंटी कंपनी भी कहते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो अ कंपनी विदाउट एनी शेयर होल्डर, इसमें कोई भी शेयर होल्डर नहीं होते हैं, बट इट इज़ ओन्ड बाय मेंबर्स। कह रहा है कि इसमें ओन्ड बाय मेंबर्स होते हैं कॉल्ड गारंटर्स, जिनको हम गारंटर्स कहते हैं, मेंबर्स को क्या कहते हैं, गारंटर्स कहते हैं। एंड हु एग्री टू पे अ नॉमिनल अमाउंट, वो एग्री होते हैं पे करने के लिए नॉमिनल अकाउंट इन द इवेंट ऑफ अ कंपनी बीइंग वाउंड अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी तब वो एक नॉमिनल अमाउंट देंगे। इट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर्म यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। अंडर दिस फॉर्म प्रॉफिट अर्न बाई अ कंपनी आर री इन्वेस्टेड अगेन इन द कंपनी टू यूज़ इट फॉर अ डिफरेंट पर्पज। तरह की ये इस तरह के फॉर्म में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है कंपनी से वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है अगेन इन द कंपनी, यूज्ड इट फॉर अ डिफरेंट पर्पस के लिए। फिर अगर देखा जाए तो मेंबर ऑफ द कंपनी आर ओनली लायबल टू पे ओनली द गारंटीड अमाउंट एज मेंशन इन अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। या जो मेंबर ऑफ अ कंपनीज होते हैं, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, वो लायबल उतने ही तक होते हैं पे करने तक जितना गारंटी वो दे रहते हैं, जितना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। मेंबर आर लायबल टू पे ओनली एट अ टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ अ कंपनी, और जब ही लायबल होंगे पे करने के लिए जब क्या होगी, कंपनी वाइंड अप होगी। अब आया अनलिमिटेड कंपनी लिमिट, लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ दिस कंपनीज इज़ अनलिमिटेड। क्या जो लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर की होती है इस कंपनी की अनलिमिटेड होती है, क्योंकि नाम से क्या है, अनलिमिटेड कंपनीज। दिस कंपनीज आर लाइकली बिग पार्टनरशिप एंड दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। कह रहा है कि ये अपने आप रजिस्टर कर लेते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब आई प्राइवेट कंपनी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, जिसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, नॉट इंक्लूडिंग अ पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, पर्सन हु हैविंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। अब सॉरी,
प्राइवेट कंपनी के भी कुछ अपने अपने रूल्स होते हैं, कह रहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप राइट नहीं होता है आपको ट्रांसफ़र करने के अपने शेयर, वो लिमिटेड ही नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं प्राइवेट कंपनी के। अब अगर देखा जाए इट पेड अप कैपिटल विल बी 1 लाख एंड मोर दैन 1 लाख, कह रहा है इसकी जो पेड अप कैपिटल होगी 1 लाख होगी या उससे ज़्यादा होगी, 1 लाख से ज़्यादा। फिर वन परसेंट कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेम्बर, जिसमें एक ही पर्सन क्या होगा जो मेम्बर होगा। इट मे बी नोट दैट फॉर अ जनरल पर्पज़, ये अगर नोट किया जाए जनरल पर्पज़ के लिए कि एक ही मेम्बर होगा कंपनी में। 1% कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी ओनली, क्या जो 1% कंपनी होती है वो क्या होती है प्राइवेट कंपनी ज़्यादा होती है। अब आया पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 271 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, कह रहा है पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है एंड हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल, जिसकी क्या होती है 5 लाख एंड सच अ हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी सब्सक्राइब या प्रिस्क्राइब। थैंक यू क्लास, I hope you will understand this topic.